जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ काचा पेंट लाहौर में, जहाँ पर आसिया बीबी के साथ अहले महला के कुछ आबशार जो गुंडा नासिर लड़कों ने बदतमीजी उनके देवर के साथ की, उनके आए उनसे पूछते उनके साथ ये वाक्या किस तरह पेश आया और क्या इन्होंने इनके साथ रवैया अख्तियार किया। जी बताइए। जी बताइए। कल 5 बजे इन्होंने मेरे देवर को बहुत मारा, घर से यहाँ से खींच के मारा, इतना मारा कौसर ने, उसके बेटों ने, और खुद ही अपने कपड़े फाड़ के थाने चली गई थी। और वहाँ जाके इन्होंने पता नहीं क्या क्या ड्रामे किए, कैसे किया, और फिर बाद में वहाँ से आके कौसर ने, उसके शोहर ने, उसके 2-3 बेटे, 5-6 बंदे और थे हमारे साथ, बहुत बदतमीजी की थी इन्होंने। कल बहुत ही हमें मारा पीटा, और फिर हमारे ससुर बाहर आए तो उन्होंने ईंट भी बहुत ज़्यादा चलाई थी। तो जब हम आप खुद उन्होंने तोड़ फोड़ करके हमारे सिर पर पटक रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इन्होंने किया है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। कल से जब से हमें ना घर से निकलने दे रहे हैं, और जो नासिर गुंडा है वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादती करवा रहा है। इसीलिए हमें वज़ीर आज़म से, पंजाब से हमें दरख्वास्त है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये ऐसे तो नहीं ना जो ये जो मर्जी करें किसी के साथ, किसी की बहन बेटियों के साथ ऐसे करते हैं। आपके अलावा किस किस को और मारा गया? मेरी दौरानी को, मेरी 2 सासों को भी बहुत ज्यादा कूटा। एक सास तो मेरी यहाँ पे गिरी हुई थी, कभी उधर से धक्के देते हैं, कभी उससे, तो कल से उठा ही नहीं जा रहा। और अम्मी को भी इन्होंने बहुत ज्यादा डंडे मारे थे। जब मैं छुड़ाने लगी, ईंट पकड़ने लगी, उनका हाथों में से मैं नीचे दाब ली, मेरे पे तो उठा ही नहीं गया उस पास से, मैं तो नीचे ही पड़ी रही। मेरे तो सट लगी, मेरे ऊपर चढ़े गए, कोई उधर से ठुड्डा मारा, कोई उधर से लात मारा, कभी लख पे चढ़ जावा, कभी हाथन पे चढ़ जावा, कभी सिर पे चढ़ जावा, मेरे पे तो काल से उठा ही नहीं जा रहा है। बेटा उन्होंने साले ना बहुत जास्ती की थी, मेरे बेटे ने कोट कोट के थले सुट के उन्हें सारे जख्म किए ने मुँह दिते, उन्होंने असी पासे कर दिता भी पुत्र तू पासे हो जाओ, पता नहीं हूँ कितने कल दस गया, उनका पता ही नहीं गया है। इन्हें बहुत जास्ती साले ना की इस तरह है साढ़े एक ना कौंसर है, उनके 3 कुड़िया ने, मुंडे ने, उनके नाल 5-4 बंदे होर ने, पता नहीं कौन कौन ने साडे वो समझ च नहीं है। क्या क्या चीज़ें इन्होंने मारी आपको? इन्हों को थापे, इन्हों को डंडे, इन्हों को इट्टा। मैं शरोज की बीवी हूँ, बहुत मारा पीटा था मेरे शोहर को, इन लोगों ने जास्ती की थी उनके साथ, और मैं भी साथ थी, बहुत मारा उन्हें, हम लोगों को घर में जाके ईंटों से डंडों से बहुत मारा था। आपके साथ भी उन्होंने जाती? हाँ जी, हाँ जी। आपके मियाँ थे जिनके साथ? हाँ जी, वो मेरे मियाँ थे, बहुत ज्यादती की थी उनके साथ इन लोगों ने। हमें इंसाफ चाहिए, वजीर आजम से इंसाफ चाहिए हमें। जी बिल्कुल, इसी तरह हमारे साथ अहले महला के एक नौजवान भी मौजूद है। जी हाँ, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस वाकये में क्या देखा। जी बताइएगा क्या इस वाकये में हुआ? ये भाई इन लोगों ने ज्यादती की इनके साथ। किस तरह ज्यादती की, क्या मामला हुआ, जब आपने देखा क्या हो रहा था, किस तरह की? वो आ गए इनके घर, यानी कि पैड़े इसको घर घर इसके। किसके? शिरोज के। हाँ जी। किस चीजों से मारा उसने शिरोज को? डंडों के। और इनकी औरतों को भी मारा? हाँ जी। तो आपने पुलिस वगैरह से कोई मदद नहीं ली? ਲਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਕੀ ਇਹਨ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਘਰ ਪਰ ਆ ਕਰ ਇਹਨੇ ਪੀਟਾ ਉਨਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਆ ਇਹ ਘਰ ਪਰ ਆ ਕਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾ ਇਹਨ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਾ ਥਾ ਇਹ ਵਾਜਦ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਮਰ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਇਸਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕੇ ਕੋਸਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਈ ਥੀ ਸਾਥ ਲੜਕੋਂ ਕੇ कौसर ने मारा था? हाँ कौसर ने मारा था, खुद ही कपड़े फाड़ के खुद ही जली गई। शरोज को मारा था? बेगम को भी? हाँ, हाँ जी। आसिया बीबी को? हाँ जी। और मेरी वालदा भी, उसको भी। आपकी वालदा? इंसाफ, इंसाफ।